हेलो गैस, वेलकम बैक टू माय न्यू वीडियो। आ गया हूँ एक और अच्छी वीडियो लेके। आज मैं आपको सिखाऊंगा रश्मिका मंडाना का स्केच ड्रॉ करना। तो गैस, ये पार्ट वन है। इसको बनाने के लिए आपके मोबाइल में आपको एक ऐप डाउनलोड करना पड़ेगा, प्ले स्टोर पर जाके, ड्राइंग ग्रिड फॉर द आर्टिस्ट। तो गैस, ऐप ऐसा होगा, इसमें आपको यहाँ पर फाइल के ऑप्शन पर जाकर आप यहाँ से सेलेक्ट कर सकते हैं A4 साइज। अगर आपको A4 साइज़ पर बनाना है तो आप A4 साइज़ सेलेक्ट कर लेना है एंड फोटो सेलेक्ट करके फिर आपको जाना है 3 लाइन पर। तो गाइस, यहाँ पर साइज़ 1 सेल पर आपको 20 सेलेक्ट कर लेना है। तो 20 सेलेक्ट करने के बाद गाइस, इसमें 10 ब्लॉक्स एक साइड आ जाएंगे एंड 15 ब्लॉक एक साइड। एंड गाइस, सेम ऐसे ही आपको अपने A4 साइज़ के पेपर पर आपको ग्राफ बना लेना है स्केल का यूज़ करके। 2-2 सेंटीमीटर के हिसाब से एक एक आपको ब्लॉक बनाना है अच्छे से। तो गाइस, मैंने इसमें पहले से बना लिए हैं। तो इसमें भी गाइस देख रहे हो आप, 10 ब्लॉक्स एंड 15 ब्लॉक्स सेम ऐसे ही आ जाएंगे। गाइस, कुछ ऐसा आपको भी ग्राफ सेम बना लेना है फिर। तो गाइस, अब बनाना स्टार्ट करते हैं। गाइस, आई से बनाना स्टार्ट करेंगे। तो आपको पहले काउंट कर लेना है कौन से ब्लॉक में आई है रेफरेंस पिक में। सो वहीं से आपको अपने A4 साइज़ के जो आपका पेपर है वहाँ पे उसी ब्लॉक से आपको बनाना स्टार्ट करना है। तो गाइस, जैसे कि मैंने देख लिया, इसमें 6 ब्लॉक्स में आई आ रही है। तो 6 ब्लॉक से आई बनाना स्टार्ट करते हैं। और गाइस, सबसे जो आपकी लाइट पेंसिल हो, या तो आप HB का यूज़ कर सकते हैं या फिर 2B का यूज़ कर सकते हैं। बिल्कुल लाइट प्रेशर के साथ आपको ड्रॉ करना है। जैसा रेफरेंस पिक में आपको आई की लाइन दिख रही है, कौन सी लाइन से आई टच होके जा रही है, बिल्कुल सेम वैसे ही आपको अपने शीट पर पेंसिल चलाना है देख देख कर। बिल्कुल धीरे धीरे अच्छे से ऑब्जर्व करके आप देख कर पेंसिल चलाएँ और बिल्कुल लाइट प्रेशर के साथ आप ड्रॉ करें। क्योंकि अगर आपने थोड़ा भी प्रेशर लगाया तो अगर आपका रफ बेकार होता है ड्राइंग, तो आप फिर बाद में जब उसे रफ करोगे तो निशान बन जाएंगे। तो इसलिए बिल्कुल लाइट प्रेशर के साथ आप ड्रॉ करना धीरे धीरे। ऐसे ही गाइस, मैं इसमें आईब्रो भी ड्रॉ कर रहा हूँ। और अगर गाइस आपको इस पिक का ही ड्राइंग बना रहे हो आप या आपको बनाना है, तो इस पिक का लिंक आपको मेरे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। आप वहाँ से ये वाला फ़ोटो डाउनलोड कर सकते हैं। ऐसी मैं दूसरी आँख भी इसकी बना रहा हूँ। तो ऐसे ही बिल्कुल धीरे धीरे आपको स्लोली स्लोली अच्छे से देख के ऑब्जर्व करके ही बनाना है। स्टेप बाय स्टेप आपको बढ़ना है। जैसे कि मैंने पहले एक आँख बना ली, अब मैं दूसरी आँख बना रहा हूँ, उसके बाद नोज़ बनाएंगे, फिर लिप्स। ऐसे ऐसे धीरे धीरे आपको आगे बढ़ना है। अभी मैं नोज़ बना रहा हूँ। नोज़ को भी आप देख सकते हैं, मैं अच्छे से ऑब्जर्व कर रहा हूँ फ़ोटो के हिसाब से कि कितनी दूरी पर नोज़ स्टार्ट है, कौन सी लाइन से स्टार्ट है। तो ऐसी गाइस आपको अच्छे से देखना है कौन से ब्लॉक में कितनी दूरी से वो स्टार्ट हो रही है लाइन। ऐसी धीरे धीरे आपको देख कर ऑब्ज़र्व कर करके बनाना है। जो भी अगर आपसे कुछ गलती होती है ड्रॉ करते टाइम थोड़ी बहुत, तो वो शेडिंग के टाइम पे सही हो जाएगी, तो उसकी आप चिंता मत करना। और गाइस, ऐसे ही मैं अब लिप्स बना रहा हूँ बिल्कुल लाइन टू लाइन मैच करके अच्छे से। और अगर आपने गाइस अभी तक मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लेना। मेरे इस चैनल पे आपको आर्ट से रिलेटेड
ऐसी ड्राइंग्स की वीडियो मिलती रहेंगी। तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लेना, वीडियो को लाइक भी कर देना। गाइज अब मैं हेयर बना रहा हूँ, हेयर ड्रॉ कर रहा हूँ। जैसा कि आपने देखा आई से दो ब्लॉक ऊपर हेयर स्टार्ट हैं, तो मैंने वैसे ही स्टार्ट करा है हेयर ड्रॉ करना। बिल्कुल लाइट प्रेशर के साथ आप पेंसिल को चलाना, बिल्कुल स्लोली स्लोली। अगर डार्क कर दोगे आप तो आपको प्रॉब्लम होगी। बस आप ड्रॉ करते टाइम इतना ड्रॉ कर लो जिससे कि आपको शेडिंग करते टाइम बस समझ में आ जाए कि हाँ ये लाइन है। इसलिए चीज़ को अच्छे से हील देख कर आप बनाए, जैसे कि मैं अभी बना रहा हूँ, मैं हेयर्स बना रहा हूँ। टू भी मैं जल्दी लेकर आऊँगा शेडिंग ट्यूटोरियल का, तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लेना। मैं जल्दी इसका शेडिंग ट्यूटोरियल भी लाऊँगा। आप अच्छे से फ़ोटो को जूम भी कर सकते हैं, अच्छे से एक एक चीज़ एक एक पार्ट को देख के अच्छे से आपको ड्रॉ करना है, जिससे कि ड्रॉ करने के बाद फिर आपको ऐसा लगे कि फेस पहचान में ना आ रहा है। तो अच्छे से धीरे धीरे ड्रॉ करना आप, जैसे आपको प्रैक्टिस हो जाएगी तो आप आराम से 15 से 20 मिनट में या 10 मिनट में ही आप ड्रॉ कर लोगे जब आपको प्रैक्टिस हो जाएगी। तो इसलिए आप अच्छे से ही ऑब्जर्व करके एक चीज़ को ड्रॉ करो। जैसा कि गाइस आप देख रहे हो हेयर्स मैंने ड्रॉ कर दिया। मैं फेस की आउटलाइन को ड्रॉ कर रहा हूँ धीरे धीरे। आप भी अच्छे से बिल्कुल स्लोली स्लोली अच्छे से देखते हुए आउटलाइन सब जगह की ड्रॉ करें। अगर आपको लगता है गलत हो गई तो आप जैसे कि इरेजर से अच्छे से थोड़ा साफ कर सकते हैं, तो निशान नहीं बनेंगे अगर आप लाइट प्रेशर का यूज़ करते हुए पेंसिल से ड्रॉ कर रहे हैं तो। और गैस अब मैं क्लॉथ्स को ड्रॉ कर रहा हूँ। तो गैस क्लॉथ्स में तो ज़्यादातर शेडिंग का ही काम रहता है, तो आप बस थोड़ा आइडिया के लिए क्लॉथ्स ड्रॉ कर सकते हो, क्योंकि गैस क्लॉथ्स में तो डिटेलिंग वर्क रहता है थोड़ा बहुत कि कौन से पार्ट में कहाँ पर कौन सी स्टाइल की शेडिंग करनी है, कहाँ पर आपको डार्क करना है। तो इसलिए क्लॉथ्स में तो आप बस थोड़ा सा ड्रॉ कर लो जिससे कि आपको आइडिया लग जाए कि यहाँ पर इस लाइन में इतना डार्क करना था, इसमें लाइट करना था। तो अभी मैं क्लॉथ
रहा हूँ। तो गाइस स्केच ड्रॉ हो चुका है, तो गाइस शायद तो गाइज स्केच पूरा अच्छे से ड्रॉ हो चुका है। आपको भी ऐसे ही स्केच ड्रॉ करना है धीरे धीरे, स्टेप बाय स्टेप। और अगर आपको इस पिक अगर आपको ये वाला फ़ोटो चाहिए बनाने के लिए, तो मेरे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में इसका लिंक है, तो आप वहाँ से जाके डाउनलोड कर सकते हैं। एंड गाइज आज की इस वीडियो में आपको इतना ही बताना था। तो गाइज मिलते हैं जल्दी नेक्स्ट वीडियो में, पार्ट टू में जल्दी ही लेकर आऊँगा। अभी तक अगर आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लो। And thank you so much for watching. Bye.